हाँ जी नहीं बोलो पांच मिनट के इंतजार के बाद क्लास ओवर हो जाएगा। अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है हिम्मत आपकी मदद बाप की हाँ। तो ये किस तरह से मदद होती है बाबा? बाप दादा की मदद। बाप दादा प्रैक्टिकल में अव्यक्त है या सिर्फ कहने के लिए अव्यक्त है? है? अरे बाप दादा प्रैक्टिकल में है या नहीं है? और अव्यक्त है या व्यक्त है? है व्यक्त है। इन आंखों से देख सकते हैं बाप दादा को? आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया देख सकती है? हैं? आप देख सकते हैं, तीसरे नेत्र से देख सकते हैं कि इन आंखों से देख सकते हैं, ज्ञान के नेत्र से आप देख सकते हैं, दुनिया वाले नहीं देख सकते और बी के वाले भी नहीं देख सकते। तो बाप दादा की मदद भी ऐसी ही है क्या? जो तीसरे नेत्र से बाप दादा को देखते हैं, दिल से याद करेंगे तो उनको अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। भगवान इन आंखों से दिखाई देता है? कोई को भी दिखाई देता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े महात्माएं हुए, बड़े बड़े दिग्गज हुए ब्राह्मणों की दुनिया में, इन आंखों से किसी ने देखा क्या है? नहीं देखा। तो बाप दादा प्रैक्टिकल में अव्यक्त स्टेज वाला है। जिनकी ऐसी अव्यक्त दृष्टि बनी हुई है वो बाप दादा को उस रूप में पहचानते हैं और मदद का भी अनुभव करते हैं। ये भी बोला है कि मुरली से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। कौन सी मुरली से? फर्स्ट क्लास मुरली से, सेकंड क्लास मुरली से या थर्ड क्लास कागज की मुरली से? फर्स्ट क्लास मुरली जिनके दिल में है तो वो बाप दादा को भी पहचानते हैं, मदद लेने के अधिकारी हैं। और मनजीत किसे कहते हैं? मनजीत जगत जीत बोलते हैं। हाँ। मनजीत किसे कहते हैं? सपूर्ण मन। दस इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां। उनके लिए नहीं कहा,
सब दस इंद्रियों के लिए नहीं कहा क्या कि दस इंद्रियां जीते जगत जीत? क्या कहा? नहीं, कोई खास इंद्रिय है इंद्रियों में भी जिसके लिए बोला इंद्रिय जीते जगत जीत। कौन सी इंद्रिय है जो 2500 वर्ष में कोई भी ऋषि मुनि महात्मा कंट्रोल नहीं कर सके, जिसके लिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत? तो कौन सी इंद्रिय है? काम इंद्रिय है। परंतु काम इंद्रिय भी तब काम करती है जब मन सहयोग देता है। क्या? मन 11वीं इंद्रिय है, प्रधान इंद्रिय है। कोई भी इंद्रिय के कार्य में मन अगर सहयोगी नहीं है तो वो कार्य नहीं होगा, उसका फल भी नहीं निकलेगा। मनसा के संकल्प के द्वारा ही इंद्रियां अपना विषय भोग करती हैं, नहीं तो विषय भोग भी नहीं कर सकती। तो मन जो प्रधान इंद्रिय है वो 10 इंद्रियों के मुकाबले या काम इंद्रिय के मुकाबले सूक्ष्म है या स्थूल है? हैं? अरे मन सूक्ष्म है या स्थूल इंद्रिय है? सूक्ष्म इंद्रिय है। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल इंद्रियों में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। इसलिए बोला मन जीते जगत जीत। मन को जीत लिया मानो सारे जगत को जीत लिया। और बाबा मैहर का नाम मैहर कैसे पड़ा है? मैहर का नाम मैहर क्यों पड़ा? मैहर हाँ। मैं माने मैं सेहत पे इसका हार। हाँ हाँ, मैं माने मैं और हर माने हरण कर लिया। मैंने हरण कर लिया। किसको हरण कर लिया है? बाप दादा क्या सिखाने आए हैं? हैं? बाप दादा क्या हरण करने के लिए बोलते हैं? हैं? विकारों का हरण करना है। तो मैयर वालों ने क्या किया? हैं? क्या किया? मैं हर मैंने हरण किया। वैसे तो विकारों को हरण करने के मामले में अव्वल नंबर 1 का गाया हुआ है। कौन है? है जिसके लिए गाते भी हैं बोलते भी हैं हर हर महादेव। तो उसने 5 विकारों का हरण किया और 5 विकारों में भी जो काम विकार है उसको हरण किया। इसलिए कहते हैं हर हर। क्या हर? दुख दर्द को हर करने वाला, हरण करने वाला। और वाणी में आया है आज के समय बाप स्वयं बच्चों को संपन्न बना रहे हैं। आज के समय? आज के समय बाप स्वयं बच्चों को स्वयं माने क्या होता है?
स्वयं माने उर्दू में कहते हैं खुद है, खुदा का नाम खुदा क्यों पड़ा है? खुदा का नाम खुदा क्यों पड़ा मुसलमानों में है? खुद आ, वो अपना परिचय देने के लिए खुद आता है, उसका परिचय दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। तो बाप आता है तो इसका प्रूफ क्या आया है? गया नहीं है, वायदा करते हैं। क्या वायदा करते हैं? हैं? आते हैं तो वायदा करते हैं, साथ रहेंगे। कब? जब खुद आते हैं तब साथ रहेंगे, या धर्म पिताओं को भेज देते हैं तब साथ रहेंगे? है, खुद आता है तब ये गायन होता है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। कहां कहां साथ चलेंगे है? अरे कहां साथ चलेंगे? शांति धाम साथ चलेंगे, सुखधाम में साथ नहीं चलेंगे। अच्छा, सुखधाम में साथ चलेंगे ही नहीं? अच्छा, शिव बाबा सारी सृष्टि पर कायम है या नहीं है? तो सुखधाम में कायम नहीं होता? सुखधाम में भी कायम होता है। तो सुखधाम में भी जाएगा तब साथ होगा या बिना गए साथ होगा? हैं? सुखधाम में भी जाता है कौन? शिव बाप नहीं, शिव बाबा। जाता भी है, खुद जाता है पहले, तब बच्चे साथ जाते हैं। तो साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ साथ सारा पुरुषार्थ करेंगे। शिव बाप पुरुषार्थ करता है? है? करता है? क्यों है? एवर प्योर है। एवर प्योर का भी प्रूफ चाहिए या ऐसे ही एवर प्योर है? है? नहीं, एवर प्योर का प्रूफ क्या है? भिखारी दुनिया में आते हुए संघ का रंग नहीं लगता। संघ का रंग नहीं लगता? आपको कैसे पता चला? है? अरे मंदिरों में यादगार रखी हुई है, जलाधारी में रखा हुआ है, और जलाधारी में रहते हुए भी क्या क्या कहा जाता है? अमोघ वीर्य है, वो निस्तेज होने वाला नहीं है। इसलिए श्लोक में कहा जाता है अच्युतम, वो कभी भी ऊंची स्टेज से नीचे नहीं गिरता है। क्या मतलब हुआ नीचे गिरने का? माना मन बुद्धि ऊंची स्टेज में रहती है। जब मन ऊंची स्टेज में रहेगा तो इंद्रियां या इंद्रियों की शक्ति नीचे गिरेगी? गिर ही नहीं सकती। और बाबा जी, अद्भुरी बाबा का मंदिर बना हुआ है, है। तो सब मांस मदिरा खाते हैं, है। बना हुआ है, है? बना हुआ हाँ। तो है।
माने क्या? आ माने क्या? नहीं, आ माने नहीं, और घोरी माने घोर कर्म करने वाला। क्या गीता में लिखा है? जो आत्मनिष्ठ है वो आत्मनिष्ठ की पहचान बताई कि सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर पाप नहीं लगता। तो मंदिरों में तो सिर्फ यादगार दिखाई है, और वो जो सन्यासी होते हैं अघोरी वो तो सिर्फ नकल करते हैं। क्या नकल करते हैं? अघोरी होते नहीं हैं। असली अघोरी कौन है? हैं? असली अघोरी शिव बाबा है। तो शिव बाबा की यादगार है। और जोर से बोलो, निर्भीक बनना है, दूसरों को बनाना है, वो कैसे होगा? खुद भी सुख खुश रहना है और दूसरों को भी खुश बनाना है, खुश करना है, वो कैसे होगा? अरे खुशी का उल्टा क्या है? है दुखी होना, और दुख देहभान से आता है या आत्माभिमान से आता है? देहभान में रहते हैं तो दुख जरूर होता है। क्या कोई ने गाली दे दी और देहभान है तो गाली सहन होगी? हैं? नहीं होगी। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, गाली और ग्लानी चिपक जाती है क्या? चिपकती है नहीं, तो क्यों दुखी हुए? कर्मों को भी तो दुख होता है। कर्मों को भी तो दुख नहीं, दुखी हुए क्यों? ऐसे कर्म क्यों करते हैं जो दुखी हुए? पाप कर्म देहभान कराता है। उस अघोरी के लिए गीता में एक श्लोक बोल दिया, सारे संसार का भी हत्या कर दे तो अच्छा काम किया बुरा काम किया? हत्या करना अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत बुरी बात है। लेकिन लक्ष्य क्या है, भाव क्या है? सारे संसार की हत्या करने के पीछे भाव क्या है? हैं? क्या कल्याण? अरे सारे संसार की हत्या करने से क्या कल्याण होता है? हैं? मुक्ति से तक चले जाए, मुक्ति में चले जाए, मुक्ति धाम। सारे संसार की हत्या के पीछे भाव छुपा हुआ है, इसलिए रामायण में भी लिख दिया भाव प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म कोई कैसा भी हो लेकिन अगर भाव श्रेष्ठ है तो उसका फल भी श्रेष्ठ ही मिलेगा। तो उस अघोरी ने जो मुरली में बोला, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा, किसने बोला? शिव ने बोला या उस अघोरी ने बोला? है मुरली में अघोरी बोलता है? 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 शिव बाबा बोलते हैं। शिव माने कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? है? हाँ, मुरली में आता है ये ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है। क्या
बाबा शिव बाबा जब बोलते हैं, मुरली सुनाते हैं, तो ये ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है। तो ब्रह्मा जो बात इंटरफियर करके बोलेगा वो देवभान की बात होगी या आत्माभिमान की बात होगी? वो देवभान की बात होती है। क्या बात बोले? बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। अब विनाश कौन कराता है? शंकर। शंकर के लिए गाया हुआ है, शंकर द्वारा विनाश। लेकिन शंकर कौन है? विनाश कराने वाला कौन? वो शंकर कौन? शंकर माने क्या है? हाँ, मिश्रण। शिव भी है उसमें, ज्ञान चंद्रमा भी है, और उसमें दिलाराम राम भी है। दिला शिव नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता? दिला कृष्ण नहीं कहा जाता, दिला ब्रह्मा नहीं कहा जाता, क्या कहते हैं? दिलाराम। तो आराम देने के लिए कोई तो निमित्त बनता है कि अपने आप सारी दुनिया को आराम मिल जाता है? निमित्त तो बनना पड़े। तो तीन आत्माओं का संगम जिस पर्सनालिटी में होता है, उस पर्सनालिटी के लिए बोला शंकर द्वारा विनाश। तो तीन आत्माओं में विनाश कराने के निमित्त कौन है? अरे सबसे ज्यादा प्यार किसने दिया है? किस स्वरूप के द्वारा प्यार दिया? वो प्रैक्टिकल रूप क्या? ब्रह्मा। बहुत प्यार दिया। जो ठुकराने वाले थे, जो ग्लानी करने वाले थे, उनको भी प्यार दिया। और जिनको प्यार दिया उन्होंने उसको क्या दिया बदले में? क्या दिया बदले में? उतना प्यार दिया नहीं दिया? तो प्यार नहीं दिया तो हिसाब किताब कब पूरा होगा? अरे एक प्यार ही प्यार देता है, और सामने आने वाले उतना प्यार देते नहीं, कोई कम कोई ज्यादा। मैंने दुख सभी ने दिया। तो जो दुख देने का हिसाब किताब बना बच्चों के द्वारा, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? कौन आत्मा निमित्त बनेगी? हाँ? ब्रह्मा की ही आत्मा निमित्त बनती है, लेकिन मां के रूप में नहीं है। हाँ, वो तीसरी मूर्ति कही जाती है शंकर। शंकरण है तीन आत्माओं का। क्यों तीन आत्माओं का शंकरण? क्यों? ज्ञान के द्वारा विनाश होता है या योग बल के द्वारा विनाश होता है? हैं? विनाश कैसे हो सकता है?
योग बल से ही विनाश हो सकता है। ऐसा विनाश जो योग बल वाले का कुछ भी न बिगड़े और बाकी सारी दुनिया का बिगाड़ हो जाए, ऐसा योग बले। तो क्या ब्रह्मा वाली आत्मा ऐसा योग बली होता है? है नहीं होता। चलो अभी नहीं होता, लेकिन जो दिलाराम बाप है उसके लिए सर माथे पर रखने वाली आत्मा कौन है? नहीं, जो दिलाराम बाप है, राम वाली आत्मा है, उसके सर माथे पर विराजमान होने वाली आत्मा कौन है? जैसे कहते हैं कि बाप का बच्चों पर जब प्यार आता है, बहुत प्यारा बच्चा होता है तो उसको सर पर उठा लेते हैं। तो ज्ञान चंद्रमा सर पर विराजमान है या नहीं है? विराजमान है। तो बाप ऐसे बच्चे को आप समान योगी बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाता है। और जब ऐसा योगी बनता है तब वो ताकत आती है। क्या? सारे संसार का विनाश करने के निमित्त वो आत्मा बनती है। और बाबा गीता पॉइंट में लिखा है, श्री बाबा प्रभात के समय आते हैं, आधी रात नहीं कहेंगे। माना संक्षेत्र में आधी रात है या प्रभात है? प्रमाणे प्रकृष्ट रूप और भा माने रोशनी। रात के 12 बजे प्रकृष्ट रोशनी का टाइम होता है कि अंधेरा का टाइम होता है? उसे प्रभात कहें? है? नहीं कह सकते। तो संक्षेत्र में बाप आया या नहीं आया? है? लेकिन यहां तो लिखा है बाप प्रभात में आते हैं। संक्षेत्र में प्रभात था या रात्रि के 12 बजे का टाइम था? 12 बजे का टाइम था। प्रभात नहीं कहेंगे। प्रभात तब कहें जब सूर्योदय होता है, खूब रोशनी हो जाती है, तब प्रभात कहा जाता है। तो संक्षेत्र में बाप आते हैं या आने के बावजूद भी बच्चों के अंदर निश्चय अनिश्चय का अंधकार डोलता रहता है, क्या होता है? हैं? जैसे सूर्य उदय होता है तो प्रत्यक्ष उदय होता है या गुप्त में उदय होता है? हैं? प्रत्यक्ष उदय होता है तो कहते हैं सूर्योदय हुआ, जो अव्यक्त वाणी में बोला। क्या क्या बोला? हैं? जो देखे जो सुने, बाप को जो देखे और जो बाप की वाणी सुने उसके मुख से क्या निकले? मेरा बाप आ गया। तो ऐसा प्यार कि मेरा बाप आ गया, ऐसा निश्चय बुद्धि का प्यार, कोई बाप को बाप कहे फिर ये कहे कि 90% बाप हो सकता है, 10% हमारा बाप नहीं हो सकता, तो ये बात सही है?
हैं? ये तो ठीक है नहीं, बाप है तो 100% बाप है, अनिश्चय का नाम निशान नहीं होना चाहिए। थोड़े समय के लिए अगर अनिश्चय आता है, कोई की सुनी सुनाई बातों को सुन करके, तो बाप का बच्चा कहेंगे है? नहीं कहेंगे। तो ऐसा टाइम 76 में होता है या बाद में होता है? हाँ, 76 में तो जो बाप के रुद्रमाला के बच्चे हैं वो जन्म लेना शुरू करते हैं, नंबरवार आते रहते हैं। उन बच्चों के लिए बोला है कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। कब से? कब से गिने? 76 से गिने। 76 में बाप आया और बाप के साथ बाप के बड़े बच्चे भी आए। कौन है बड़े बड़े बच्चे? है, अरे बाप आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, कम से कम त्रिमूर्ति के साथ तो आते हैं। तो सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुआ, गुप्त था, गुप्त है या प्रत्यक्ष है? अभी भी गुप्त पार्ट बजाय रहा है। तो प्रभात में बाप आते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं या सिर्फ ज्ञान के आधार पर बुद्धि में कल्पना कर लेते हैं कि बाप आ गया है? ज्ञान जितना है उतनी कल्पना पक्की है। ज्ञान कच्चा है तो वो कल्पना भी कच्ची रहती है। तो असली प्रभात कब होगा है? 76 में जिन्होंने पहचाना, वो पहचानने वाले भारतीय थे, देशी थे या विदेशी लोग थे? ब्राह्मणों की दुनिया में जिन्होंने पहले पहचाना 76 में, वो विदेशी थे या स्वदेशी थे? विदेशी धर्मों के बीज रूप आत्माएं थे, इस्लाम धर्म का बीज, बौद्ध धर्म का बीज और क्रिश्चियन धर्म का बीज। ये तीनों ने बाप को पहचाना। जिन्होंने विदेशियों ने बाप को पहचाना, उस समय रात्रि का अंधकार था, वास्तविक रूप में सूर्य उदय नहीं हुआ था। अभी भी गुप्त है या उदय हुआ है? अभी भी गुप्त है। विदेशी जो हैं, वो बाप को नहीं पहचान पाते पूरी रीति, इसलिए जिन्होंने टीवी में देखा होगा देवासुर संग्राम, देवताओं और असुरों का युद्ध, वो असुर विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? हैं? विदेशी है। आक्रामक होते हैं वो, विदेशी होते हैं, उनकी पहचान दिखाई गई है। उन विदेशी सेना नायकों की और सेना में भर्ती होने वालों की पहचान दिखाते हैं, सर के ऊपर जो पंख दिखाते हैं, किसका पंख है? मुर्गे का पंख। मुर्गा क्या करता है? हैं? खुद जाग जाता है और सांप को जगा देता है।
बहुतों को जगह देता है और फिर क्या क्या करता है, खुद सो जाता है। तो ऐसे वो विदेशी थे, एडवांस के आदि में भी दिल्ली में बहुतों को जगह दिया, खुद सो गए। तो फिर क्या रिजल्ट होगा हैं? उन विदेशियों के जो फॉलोअर्स होंगे वो भी सो जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। अभी सच्चा प्रभात आने वाला है, जबकि बाप प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो बोला, जो देखे, जो सुने, उसके मुख से क्या निकले, मेरा बाप आ गया। बीके का नहीं, पीबीके का भी नहीं कि सिर्फ बीके का, सिर्फ पीबीके बाप आ गया, नहीं, किसका आ गया, सारी दुनिया के लिए ये बात लागू होगी। जो इन आंखों से देखेगा, प्रैक्टिकल आंखों से, जो इन कानों से आवाज को सुनेगा, उसके ही मुख से निकलेगा बाप आ गया। और बाप का वायदा है कि जो बच्चे मेरे सन्मुख आकर सुनेंगे वो स्वर्ग में जरूर आवेंगे। क्या? जो मेरे से सुनेंगे वो स्वर्ग में जरूर आवेंगे। क्योंकि इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी बाप तो हैं, लेकिन स्वर्ग के रचयिता नहीं है। और बाबा, गुरुजी ने बोला है कि विष्णु और शंकर को भी देह का अहंकार हो सकता है। विष्णु और शंकर को भी देह का अहंकार हो सकता है, तो क्या कभी उन्हें होता है अहंकार? अरे कमाल है, अभी शंकर हो चाहे विष्णु हो चाहे ब्रह्मा हो, अभी ये आत्माएं भी आत्मा हैं या परमपिता परमात्मा इनको कोई कहेगा? क्या हैं? आत्मा ही तो हैं। और आत्मा हैं तो याद में बैठने वाले पुरुषार्थी हैं या उनका पुरुषार्थ संपन्न हो गया है? पुरुषार्थी हैं। जब तक पुरुषार्थी हैं, आत्मिक स्टेज में 100% आने के लिए, तब तक उनमें देहभान रहेगा या नहीं रहेगा? है, रहेगा। इसलिए मुरली में बोला है कि विष्णु को और शंकर को भी माना, कोई और भी है इन दो के अलावा, कोई और भी मूर्ति है जिसमें देहभान होता ही है, कौन है? ब्रह्मा। ऐसे नहीं समझो कि ब्रह्मा को ही देहभान होता है, ब्रह्मा के साथ साथ विष्णु और शंकर को भी देहभान आ सकता है, क्योंकि संपन्न है या अधूरे पुरुषार्थी है? है, संपन्न पुरुषार्थी नहीं है, अधूरे पुरुषार्थी है। और बाबा, वो जलंधर का क्या बेहद में अर्थ है, जिसे मतलब भक्ति मार्ग में शंकर का शत्रु बताया गया है? जिसे मतलब भक्ति मार्ग में शंकर का शत्रु बताया गया है, शंकर को शंकर का शत्रु बताया गया, महादेव का शत्रु बताया गया है, जलंधर। उसका शत्रु क्या होता है? शत्रु, जलंधर, शत्रु, शत्रु। हाँ, जलम जलम जल माने क्या है? ज्ञान जल। और धर माने धर के बैठ गया, जैसे कहते हैं गंगा धर, तो किसको धर के बैठ गया? गंगा जी को। ऐसे ही उसका नाम क्या पड़ा? जलंधर, जल को धारण करके बैठ गया। ज्ञान जल को
उसने धारण कर लिया। कैसे? जिनको ईश्वरीय ज्ञान मिलता है उनको कौन सी शक्ति मिल जाती है? हैं? अरे ईश्वरीय ज्ञान जिनको मिलता है वो कौन सी शक्ति के धारणकर्ता हो जाते हैं? अरे अच्छा, दुनिया में सबसे पहले जल, ज्ञान जल किसको मिलता है? है? अरे किसको मिलता है कि नहीं मिलता है? है? ब्रह्मा को मिलता है, अम्मा को मिलता है, हाँ प्रजापिता को ज्ञान जल मिलता है, है? उसके शरीर में ही और दो आत्माएं प्रवेश करती हैं, इसलिए उसको शंकर कहा जाता है। क्या तीसरा नेत्र दिखाया गया है ज्ञान का? तो असल में तो वो है, लेकिन एक राक्षस का भी नाम है। क्या? जलंधर। उसने जल को धारण कर लिया। शंकर जी जब ज्ञान जल को धारण कर लेते हैं तो उनको कौन सी शक्ति मिल जाती है? है? अरे शंकर जी जब संपन्न स्टेज को प्राप्त करते हैं तो उनको ज्ञान जल की विशेष शक्ति मिल जाती है। ज्ञान जल का धारण करता किसको कहेंगे? शंकर को कहेंगे या किसी और को कहेंगे? शंकर को कहेंगे। जो ज्ञान सुनाता रहे, ज्ञान सुनता भी हो, मनन चिंतन मंथन भी करता हो, दूसरों का भी मनन चिंतन मंथन चालू कर दे, लेकिन प्रैक्टिकल में परिवर्तन कुछ भी न हो, दिखाई न पड़े, तो उसको ज्ञान का धारण करता असल में कहेंगे? कहेंगे है? रावण बहुत ज्ञानी था ना? जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं, रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं, तो दुनिया तो ज्ञानी मानती थी, लेकिन वास्तव में ज्ञानी था प्रैक्टिकल कर्मों में या उल्टे कर्म करता था? है? दूसरों की पत्नी को चुराता था, तो ये तो उल्टा कर्म हो गया, व्यभिचारी हो गया। ज्ञान को धारण करने वाला असल में कहां हुआ? इसलिए मुरली में बोल दिया राम ही क्या बनता है, अंत में रावण बन जाता है। तो फिर शंकर जी को तीसरा नित्य धारण करने वाला कैसे दिखा दिया? कब की बात है? है? जो भी चित्र बने हैं वो अधूरे पुरुषार्थ की स्टेज के बने हैं या जब पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है तब चित्र बनते हैं? संपूर्णता के चित्र बनते हैं। तो जो तीसरा नेत्र दिखाया है वो संपूर्ण स्टेज का दिखाया है। वो संपूर्ण स्टेज तब होती है जब विजयमाला की हेड का क्या होता है? आवाहन हो जाता है। वो प्रैक्टिकल में ज्ञान धारण करती है। क्या? प्रैक्टिकल में ज्ञान धारण करती है। तो वो धारण करने वाली को क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे। हैं? क्यों? लक्ष्मी को ज्ञान धन धारण करने वाला धनवान नहीं कहेंगे। लक्ष्मी दुनिया का सबसे धनवान है या नहीं है? है? है। अच्छा, वो धन लेती किससे है? फिर तो अर्धांगिनी हो जाती है। क्या? अर्धांगिनी हो जाती है, शक्ति का बंटवारा हो जाता है। ऐसे ही जलंधर,
जलंधर की जो पत्नी थी क्या नाम था? वृंदा, तुलसी। उसमें प्योरिटी की पावर थी। उस प्योरिटी की पावर के कारण जलंधर इतना शक्तिशाली बन गया। नहीं तो इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता था। इसलिए नाम पड़ गया जलंधर। हाँ बाबा, रावण में विदिशा में हरिसभा में लात मार के काय होगा? अच्छा, यहाँ जितने बैठे हुए हैं उन सब ने रावण की सभा से लात खाई है कि नहीं खाई है? लात खा के यहाँ आए हैं या ऐसे ही चले आए हैं? है? लात खा के यहाँ आ गए ना, तो उनको भगवान वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? कि तुमको इसी जन्म में ये जो सारी दुनिया लंका है इसका राज्य दे देता हूं। सारी दुनिया जब लंका बनती है तो स्वर्ग कही जाती है या विश्व कही जाती है? है? सारी दुनिया अभी विश्व है या सच्चा भारत है? विश्व है। ऐसा सारे विश्व की बात चाहिए विभीषणों को मिलती है। नंबर वार विभीषण है, नंबर वार अर्जुन है, नंबर वार युधिष्ठिर है। ये एक की बातें नहीं है। कवियों की कविता का ये वैशिष्ट है। और एक बात आप बोले हैं कि अंत में ऐसी तीखी दृष्टि देंगे तो सब आत्मा उड़ जाएंगे ऊपर। सब बच्चे रहेंगे बाबा। अरे आज की वाणी में आया ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो प्रैक्टिकल शरीर से साथ रहेंगे और शरीर के साथ जाएंगे, चाहे वो सूक्ष्म शरीर ही क्यों न हो जाए। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर देखो कौन बैठा हुआ है? है? शंकर का चित्र दिखाया गया है। उसके ऊपर निराकार शिव का चित्र दिखाया है। दिखाया है वो ऐसी गहरी याद में रहता है और वो ऐसी प्यारी याद होती है कि जिन बच्चों को भी देखता है, जो मुरली में बोला है, अंत में तुम बच्चों को ऐसी तीखी दृष्टि देंगे कि तुम अपन को रोक नहीं सकेंगे। क्या? खींचे चले जाएंगे। जो बाबा मुरली में बोलते हैं, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, ये क्यों नहीं कहा नाक के ऊपर बैठा के ले जाऊंगा? है? नैनों के ऊपर कैसे बिठाया जाता है? नाक के ऊपर कभी मच्छर बैठता है कि नहीं? मक्खी बैठती है ना। हाँ, तो उस तरह ले जाएगा क्या? है? आंखों पे कैसे बैठाया जाता है? हैं? ऐसी प्यार भरी तीखी दृष्टि देगा जो सभी आत्माएं विश्व की परम धाम की ओर निराकारी स्टेज में खींच जाएंगी। कोई कैसा भी देह अभिमानी क्यों न हो, वो भी अपनी देह को त्याग देगा।
देह की स्मृति भूल जाएगी और है कब होगा जब कर्म बंधन पूरा होगा। कर्म बंधन पूरा हुआ नहीं हुआ? और बाबा बाबा पूछे कर्म बंधन तो तुम बच्चों को ही काटना, बाप दादा नहीं काटे हैं? याद से काटो, बीमारी से काटो, धर्मराज की सजाओं से काटो, हैं? कैसे भी काटो। बाबा धर्मराज की सजा का आरोप कैसे करें? धर्मराज की सजा का अनुभव कैसे होगा? एक सेकंड में अनेक जन्मों के पापों की सजा मिल जाएगी। इतना कड़ा अनुभव होगा। जैसे गर्भ में जाते हैं 9 महीने पूरे भी नहीं हो पाते, जोर से त्राही त्राही करते हैं बाहर निकालो, ऐसे होगा। और ये भी बोला साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा सरस्वती की तरह सूक्ष्म बतनवासी हो जाएंगे फिर सजा मिलेगी, या सिर्फ संकल्पों से सजा मिल जाएगी। नहीं, ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं ही सूक्ष्म शरीर वाली क्यों न हो, उनको भी शरीर में प्रवेश करके सजा खानी पड़े। शुरू हो गया है? हो गया उनकी बुद्धि। जिसका कर्म बंधन पूरा हो जाएगा उसकी बुद्धि में ज्ञान पूरा बैठ जाएगा या नहीं बैठेगा? बैठेगा। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये बैठ गया कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, बैठ गया तो कैसे कहते कर्म बंधन उनका पूरा हो गया। और हाँ? चेतन मन और अवचेतन मन है, चेतन अवचेतन मन से अचेतन मन अवचेतन चेतन मन चेतन अवचेतन मन जागृत अवस्था में जो मन संकल्प विकल्प करता है उसे चेतन मन कहते हैं, चेतन मन। और स्वप्न अवस्था में जो मन चारों तरफ घूमता रहता है वो अचेतन मन है। और कैसे कार्य करता है अचेतन मन है? स्वप्न में कैसे काम करते हैं, स्वप्न में कैसे दौड़े दौड़े जाते हैं? नहीं तो जागृत अवस्था में भी तो अचेतन शक्ति होती है। हाँ, जागृत अवस्था में जो होता है वो प्रैक्टिकल में होता है, और अचेतन मन से जो होगा वो प्रैक्टिकल में होगा क्या? नहीं। कोई कोई तो सोते सोते दौड़ लगा जाते हैं, दरवाजा खोल के बाहर निकल जाते, फिर आकर के सो जाते। अंतर्मन है, अंतर्मन शब्द आता है, अंतर्मन। हाँ, अंतर्मन कहते तो कोई बाह्य मन होगा। अंतर्मन का मतलब यह है कि दिल की बात कहें, अंदर से जो आवाज निकल रही है वो बात बोले। और बाबा आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो दूसरे शरीर में जाकर तुरंत प्रवेश कर जाती है, लेकिन कुछ आत्माएं जो पापात्मा होगी कुछ शरीर धारण करती है। हाँ? तो बाबा सूक्ष्म शरीर कब तक धारण करती है? सूक्ष्म शरीर कब तक रहता होगा? तब तक रहता है जब तक उनके पाप कर्म हल्के न हो जाएं। सूक्ष्म शरीर या भूत प्रेत बनना ही तब होता है जब पाप की गठरी ज्यादा बढ़ जाती है। वो पाप की गठरी ज्यादा न बढ़े, अति का न बढ़ जाए, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, अकाले मौत होती है। जो मतलब कई जन्मों से घरों पुजारियां हो रही हैं, हैं?
लोगों के घर में पुजारियां होती है, लोगों की दुनिया में पुजारी हो जाए पुजारियाँ होती हैं साल में एक बार दो बार। हाँ, वो कौन सी आत्माएं जो कई सालों से कह रहे हैं हम वही हैं, ऐसा भूत प्रेत आत्माएं हैं जो अपन को कहती है मैं जगदम्बा हूँ, मैं फलाना हूँ, ये भूत प्रेत आत्माएं बन करके झूठ बोलती हैं। कोई जगदम्बा अगदम्बा नहीं होती है। आदमी निकल जाता बाबा। ग्रामीण देवताएं पूजे जाते हैं ना, तो वो देवताएं होते ही नहीं है, और साहब भूत प्रेत होते हैं। अब भूत प्रेत ही उन भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जाते हैं बाबा घर में, तू जाते हैं कहते हैं कि मैं दूल्हा बाबा हूँ, मैं नार सिंह हूँ, मैं भैरम बाबा हूँ। हाँ ये आत्माएं कभी हाँ क्यों नहीं धारण करेंगी, जब उनका पाप की गठरी हल्की हो जाएगी तो शरीर धारण कर लेंगी। हाँ दो चार जन्मों को तब तक भी रह सकता है। और बाबा वो जीव भी काट के चढ़ा देते हैं, जीव भी काट के चढ़ा देते हैं, के में अपना जीव काट के चढ़ा देते हैं, वो अंधश्रद्धा है। और कह देते हैं कि वो देवी में शक्ति रही तो मिल गया 24 घंटे के अंदर या 12। वो अंधश्रद्धा है कि सच्ची श्रद्धा है? अंधश्रद्धा है। मिलती जाती है, मिलती है सब। क्या जीव मौत पे जाती है? जीव जब जम आती है जल्दी। आपने देखा क्या? जो सुना उसके लिए बाप दादा ने मुरली में बोला है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने अंधश्रद्धा में आकर दुर्गति को पाया है। जिस बात का प्रूफ और प्रमाण न हो उस बात को नहीं मानना चाहिए। बाबा जैसे अपन मुरली सुनते हैं और मतलब मन में संकल्प कर लिए कि हाँ अब अपन नहीं सोएंगे और कोई भी काम करेंगे तो बाबा की याद में करेंगे, पर दो मिनट में भूल जाते हैं। हैं? कितना बिल्कुल मन में संकल्प करेंगे कि अब जो भी काम करेंगे तो बाबा की याद में करेंगे, बिल्कुल ना भूलें। वो कारण क्या? वो किसका प्रभाव है जो ऐसा श्रेष्ठ संकल्प उपजता है? वो बाप दादा के वाइब्रेशन का प्रभाव होता है, इसलिए वो श्रेष्ठ संकल्प उठता है और बार बार भी उठता है। लेकिन बाहर की दुनिया में जाकर के वाइब्रेशन क्या होता है? बदल जाता है, संघ का रंग बदल जाता है और हम उसकी चपेट में आ जाते हैं। याद में बैठो बाबा की याद में तो मन भटकता है। मन भटकता है, कौन भटकाता है? हैं? माया भटकाती है। गंगा के पानी में हाँ? कौन सी ऐसी विशेषता है हाँ? जो देखने में तो मटमैला रहता है हाँ? लेकिन वो साल दो साल चार साल रखा रहता है और खराब नहीं होता हाँ? पहाड़ों पर खास करके जहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर हैं यादगार, वहाँ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिन जड़ी बूटियों के बीच में से गंगा गुजरती है और उन जड़ी बूटियों का प्रभाव गंगा के जल में पड़ जाता है। तो वो पानी शुद्ध हो जाता है। लेकिन आज की गंगा ऐसी नहीं है। क्या आज की गंगा में तो हरिद्वार में ही गटर गिरने लगा। पहले गंगा ऋषिकेश से नीचे उतरती थी, हरिद्वार में भी सब शुद्ध जल होता था। हरिद्वार से आगे बढ़ती थी, फर्रुखाबाद में पहले पहले नाला गिरता था। क्या कहां गिरता था? फर्रुखाबाद में, फिर कानपुर वगैरह दूसरे दूसरे शहरों में नाले गिरते थे। आज
आज तो गंगा पूरी मैली हो गई। गीत क्या गाते हैं? राम तेरी गंगा मैली। और बाबा जब मैं आपको याद करना चाहती हूँ, पत्नी जिनके कभी भी याद नहीं आती उनकी भी याद आ जाती है। हाँ क्यों? क्यों? जो आत्माओं से हिसाब किताब जोड़ा है वो शिव बाबा ने जोड़ा है कि आपने जोड़ा है? हैं? आपने जोड़ा है हिसाब किताब, तो जिसके साथ हिसाब एक बार जुड़ जाता है, मान लो कर्मेंद्रियों का संबंध ही किसी के साथ जुड़ गया तो छोड़ देगा तुरंत? है छोड़ देगा? वो बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, ए कहां जा रहे हो? है पहले हमसे तो निबट लो, तो बीच में आ जाते हैं। ऐसे मुरली भी सुनो चाहे कुछ भी आपका काम करने जल नहीं, मतलब याद करना कोशिश करेंगे तो पता नहीं बीच में तब माया खींचने की कोशिश करते हैं। हाँ तो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब अब पता नहीं है, लेकिन अभी तो पता चल रहा है ना, है बीच बीच में जो माया आती है किसी के सामने स्त्री के रूप में आती है, किसी के सामने पुरुष के रूप में आती है, आती है ना, किसी के सामने भौतिक वस्तुओं के रूप में आती है, तो ये हिसाब किताब किसने जोड़ा है? हैं? हमने ही हिसाब किताब जोड़ा है। कब जोड़ा है? कब जोड़ा? 63 जन्मों में। अच्छा 63 जन्मों की शूटिंग कहाँ होती है? है कहाँ होती है? संगम युग में। तो अभी संगम युग में ही हिसाब किताब जोड़ा जा रहा है। बाबा हाँ, गाज गिरने पर आत्माएं खत्म हो जाती है, माने मनुष्य खत्म हो जाता है। क्यों? जानवर नहीं खत्म होता है? जानवर नहीं खत्म होता है? खत्म होते तो उनका क्या लेन देन है? उनका क्या लेन देन है? उनका क्या लेन देन है? उन्होंने किसी के ऊपर गाज गिराई होगी? ओम शांति।